दोस्तों इस समय मौजूद है ईस्टर्न यूपी के बढ़नी रेलवे स्टेशन पर, जो भारत नेपाल सीमा के एकदम करीब है। इस रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये है बढ़नी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर काफ़ी लो लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं और अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की हाइट भी बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन ओरिजिनेट हुआ करेंगी, क्योंकि बगल में ही एक वॉशिंग पिट लाइन बनकर तैयार हो रही है। भारत नेपाल सीमा के एकदम करीब होने के कारण ये स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत नई टीन शेड, कोच गाइडेंस डिस्प्ले, डिजिटल ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और इसी के साथ साथ यहाँ पर 12 मीटर चौड़ा एक नया फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ये है बढ़नी रेलवे स्टेशन का एग्जिस्टिंग फुट ओवरब्रिज, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 को प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से कनेक्ट करता है। वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर नए टीन शेड के लिए फाउंडेशन बनाकर उस पर कॉलम खड़े कर लिए गए हैं। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। इस एग्जिस्टिंग फुट ओवरब्रिज के बदले यहाँ पर 12 मीटर चौड़ा एक नया फुट ओवरब्रिज तैयार किया जाएगा। कमाल की बात है कि 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज, ये सुनते ही दिमाग में एक बड़ा सा मैदान जो रेलवे लाइन के ऊपर होगा ये नज़र आता है। जी हाँ, 12 मीटर चौड़ा काफ़ी चौड़ा फुट ओवरब्रिज हो जाएगा। बगल में यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और एक स्टेबलिंग लाइन, और बीच में है बढ़नी रेलवे स्टेशन की वॉशिंग पिट लाइन। वहाँ आगे कोचेस की मेंटेनेंस के लिए एक छोटा सा कोच केयरिंग डिपो भी बनाया गया है। इस वॉशिंग पिट लाइन के तैयार होते ही यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन ओरिजिनेट हुआ करेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से कहाँ की ट्रेन बनकर चलेगी। जहाँ तक उम्मीद है, यहाँ से दिल्ली के लिए और वैष्णो देवी कटरा के लिए ट्रेन चल सकती है। साथ ही यहाँ से पंजाब के लिए भी ट्रेन चलाई जा सकती है। अब धीरे धीरे नीचे उतर कर देखते हैं कि नीचे यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर 10 जोड़ी ट्रेन्स का स्टॉपेज है और एक ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है, वो है बढ़नी गोरखपुर DMU ट्रेन। बाकी इस स्टेशन पर हमसफ़र एक्सप्रेस का भी स्टॉप है। ये आ गए हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर, और उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, बीच में स्टेबलिंग लाइन और उसके बगल में वॉशिंग पिट लाइन। वैसे वॉशिंग पिट लाइन यहाँ पे काफ़ी साल से बन रही है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और इधर इस बिल्डिंग को भी नया आकार दिया जाएगा, यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ हाइब्रिड LHB कोचेस खड़े हुए हैं और उधर है कोच मेंटेनेंस डिपो। ये हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के अंतिम छोर पर, और ये डायरेक्शन है तुलसीपुर बलरामपुर गोंडा होते हुए लखनऊ की। वॉशिंग पिट लाइन और बगल में जो यार्ड तैयार किया गया है उसके ट्रैक को वहाँ आगे कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर शंटिंग के लिए एक डेडिकेटेड लाइन बिछाई गई है। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, और यहाँ पुराने माल गोदाम को ध्वस्त करके काफ़ी स्पेस बनाया जा रहा है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पर खाने पीने के लिए ठीक ठाक फैसिलिटी है। कुछ स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और आने वाले समय में यहाँ पर यात्री सुविधाओं के लिए खाने पीने वाले जो स्टॉल्स हैं वो और बढ़ाए जाएंगे। प्लेटफॉर्म की हाइट और लंबाई तो बढ़ाई जा ही रही है, और यहाँ पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे जिससे यात्रियों को पता चल पाएगा कि उनका कोच कहाँ पर आएगा। फिलहाल यहाँ पर यात्रियों को पता ही नहीं चल पाता कि उनका कोच कहाँ होगा। चलो अब धीरे धीरे चलते हैं स्टेशन के बाहर और देखते हैं कि बाहर क्या नज़ारा है, क्योंकि बिल्डिंग को नया आकार दिया जाएगा। यहाँ से हम स्टेशन के बाहर एग्जिट कर सकते हैं। टिकट घर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है। उधर एक वेटिंग हॉल है छोटा सा। दाएं तरफ आप जो नीला टीन शेड देख रहे हैं, इसी के अंदर फिलहाल टेम्परेरी टिकट घर और स्टेशन मास्टर का रूम बनाया गया है। और ये है यहाँ का सर्कुलेटिंग एरिया। इस पूरे एरिया को भी रेनोवेट किया जाएगा। वैसे आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताएं। और ये है बढ़नी स्टेशन की पुरानी वाली इमारत, इसे नया आकार देने की तैयारी है। यहाँ से बस कुछ ही मीटर्स की दूरी पर इंडिया नेपाल बॉर्डर है, और वहाँ से आप भारत से नेपाल जा सकते हैं।
यहाँ बाहर जितनी भी पुरानी रेलवे की बिल्डिंग्स थी उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया गया है और यहाँ बाहर से ही अंदर ट्रेन का नज़ारा दिखाई देने लगा है। स्टेशन के अंदर यहाँ पर भी तोड़फोड़ जारी है। साल 2012 में बढ़नी से आनंद नगर के बीच ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम कंप्लीट कर लिया गया था। साल 2015 में बढ़नी से गोंडा के बीच बचे हुए सेक्शन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में तब्दील कर दिया गया था। स्टेशन की इस पुरानी बिल्डिंग की दीवारों पर महात्मा बुद्ध के खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। दाएं तरफ बढ़नी स्टेशन का नया यार्ड तैयार है और वॉशिंग पिट लाइन भी लगभग कंप्लीट है। अब बस इंतज़ार है कि यहाँ से कब एक लंबी दूरी की ट्रेन बनकर चलेगी और आने वाले कुछ महीनों में अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत बढ़नी स्टेशन की सूरत भी बदलने वाली है। यहाँ आप देख ही सकते हैं किस तरह काम चल रहा है। बढ़नी रेलवे स्टेशन का ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसे ही वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएं। सामने गोंडा से नगा जंगल जाने वाली DMU ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी अगली वीढ़ियो में। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह बढ़नी स्टेशन के प्लेटफॉर्म की हाइट को बढ़ाने का काम चल रहा है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।